here we are again. Welcome back to our channel. So we are going for vacation and let's have a sneak peek through a teleport. See more? Let's pack our bag and come. अभी बज रहा है 10:30 रात के और हम जा रहे हैं पुणे से दिल्ली की तरफ. दिल्ली में कुछ घंटों के लेओवर के बाद टर्मिनल 2 से हमारी फ्लाइट ले के लिए रेडी है एंड हम अभी जा रहे हैं टू बोर्ड द फ्लाइट. इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग इसलिए अभी तक सूरज आया नहीं है. क्वाइट टायर्ड क्योंकि स्लीपलेस नाइट है ये, बट स्टिल वी आर सो एक्साइटेड. नाउ वी कैन सी सम ग्लिम्स ऑफ सनराइज. दिस इज द बेस्ट व्यू एवर. हम ग्लेशियर्स के ऊपर से उड़ रहे हैं और अपना नींद भूख सब भूल के बस इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हिमालयस के ऊपर से मैं उड़ रही हूँ. हाँ, मेरे हस्बैंड यहाँ पे रह चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी अरसे से आ रहे हैं, पर वो भी काफ़ी एक्साइटेड है टू सी मी एक्सपीरियंसिंग दिस ब्यूटीफुल मोमेंट. और हाँ, यहाँ पे मैं अपने कैप्टन्स को सल्यूट करना चाहूँगी. लैंडिंग ऑन दिस डेंजरस रनवे इज़ अ कमेंडेबल जॉब. इतने माउंटेंस के बीच से टर्बुलेंस में सेफली लैंड होना, इसके लिए आई रियली वॉन्ट टू थैंक देम वंस अगेन. और यहाँ हम लैंड हो गए एक सुंदर और एक छोटे से एयरपोर्ट पे, जो कि हमें इन जनरल देखने को नहीं मिलता है. और एयरपोर्ट से सीधा हम आ गए वन ऑफ द फेमस होटल्स ऑफ ले, जोस्टल में. वैसे तो मेनली यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, बाइकर्स, ये लोग ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस जगह को, बट इतना फेमस है तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे एक्सप्लोर करें, एक दिन रहें और देखें कैसा है ये जगह. और ये रहा क्यूट सा फर बॉल. और बढ़ा जाए आज के दिन में, ले आए हो और बाइक में ना घूमे हो, ऐसा हो नहीं सकता. सो मी एंड माई हस्बैंड हैव डिसाइडेड कि एक बाइक लेते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ले को. वैसे तो ले में 2 दिन एक्लिमेटाइजेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये तकरीबन 13,000 फीट ऊपर है और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम है. और घूमते घूमते हमें लग गई भूख और हम यहाँ पे आ गए द राइस बॉल रेस्टोरेंट. यहाँ पे यहाँ की डेलिकेसी, यहाँ का क्विजीन मिलता है. अगर आप लद्दाख आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोकल फूड ट्राई करें, वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी और अच्छा होता है. कुछ देखते हैं, कुछ मिलेगा भी अभी स्टैंड पे. पीपल हेयर आर सो वेलकमिंग. पहाड़ वालों की बात ही कुछ अलग होती है. पूरा इमेज बना रखा है. हाँ, वो हम जैसे शहर वालों की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते. Beautiful, this is so authentic, you know. We have been searching for this authentic restaurant, but Leh is very commercial, so yahan pe wahi wo wale food mil rahe hain, but ye thoda authentic mila. Let's go. Leh jo town hai kafi commercial ban gaya hai itne tourists ki wajah se. पर यहाँ ऐसी बहुत जगहें हैं जहाँ पे आपको लद्दाख का प्योर एसेंस ज़रूर मिलेगा. सी, हियर वी हैव टिबेटियन एंड थुकपा एंड दे हैव मल्टी क्विजींस. यू विल फाइंड कोरियन एज वेल एंड चाइनीज
Israeli. So many options you will find. Hi, so guys, hope you can see us because it's very low light and the temperature is probably around 8 or yes, 7, 8, something like that. And like wind, it's very windy, it's very breezy. See, look at us, this is what we are wearing. So we really found this restaurant and we are waiting for our thukpa and Tibetan momo. And let's see what else we can get. Till now it's very nice. We are liking Ladakh a lot. अभी तो कुछ देखा नहीं है वैसे, अभी तो just acclimatizing, हम लोग just खाना खाने आए थे, थोड़ा सा घूम फिर लिया है मार्केट एरिया वगैरह, थोड़ा मार्केटिंग शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, वो भी आप लोगों को दिखा देंगे कैसा मार्केट कैसा है, बाकी चलो खाना आने दो फिर दिखाते हैं क्या क्या है. It is giving us the feeling of camping. ऐसा लग रहा है हम camping कर रहे हैं कहीं पे और वहाँ पे हम खुद ही अपना खाना बना के खाते हैं. तो ऐसी वाली फीलिंग आ रही है एंड गरम गरम थुकपा इतने ठंडे वेदर में, इट्स लाइक हेवन. ओके सो वी जस्ट हैव फिनिश्ड आवर थुकपा, इट वाज स्पाइसी एंड अमेजिंग, आई वाज फीलिंग लाइक यू आर हैविंग समथिंग हेवनली. नाउ इट्स टाइम फॉर सम स्टीमिंग मोमो एंड सम सुशीज व्हिच वी कॉल बिम्बाप और टिम्बाप इन कोरियन, बिकॉज़ यू नो आई ऑलवेज लव कोरियन. चलो खाने का भूख तो मिट गया बट अभी मुझे लगा है शॉपिंग का भूख और यहाँ पे क्ले मार्केट में हम अभी आ चुके हैं. कुछ देखते हैं अगर कुछ मिलता है शॉपिंग करने के लिए. बीइंग अ गर्ल आपको शॉपिंग तो बनता ही है. वीडियोग्राफी कर रही है. इट्स अ ह्यूमंगस मार्केट, यू विल फाइंड Everything here, इतने shop. I'm like confused कि मैं लूँ क्या. मुझे यहाँ पे एक shop दिख रहा है जहाँ पे मुझे लगता है यहाँ का एकदम authentic चीज़ें जो use करते हैं यहाँ पे लोग घर सजाने के लिए, कार सजाने के लिए और फ्रिज मैगनेट्स यहाँ पे लेने का मैं सोच रही हूँ. इतनी सारी चीज़ें, वाह क्या छोड़ूँ और क्या लूँ. यहाँ पे कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो कि एक टूरिस्ट को ना आकर्षित करे. आप देख सकते हो इस वीडियो में यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बौद्धिस्ट होम डेकोर आइटम भी अवेलेबल हैं. और हम आगे बढ़ते हुए यहाँ के कुछ फेमस गर्म कपड़े जो कि याकवल या पश्मीना जैसे चीज़ों से बनते हैं, ये भी मैंने कुछ एक दो लिए हैं. दो इट्स वेरी कॉस्टली है बट यू शुड हैव समथिंग ऑफ दिस प्लेस, सो मैंने वैसे ही कुछ एक दो लिए हैं. यहाँ पे जो भी देख रही हूँ मुझे ख़रीदने का मन हो रहा है, इतनी सुंदर और प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पे. यहाँ की ज्वेलरीज, लद्दाखी ज्वेलरीज आई गेस, ये भी बहुत ही सुंदर हैं. मतलब मुझे लग रहा है मैं सब ले लूँ यहाँ पे. अभी रात के बज रहे हैं 9, दुकानें सब बंद होने का समय हो चुका है. मैं भी कुछ एक दो चीज़ें देख रही हूँ ताकि मैं ले सकूँ. फाइनली मैंने यहाँ से एक इयर रिंग लिया है बार्गेन करके. Here we end our first day of acclimatization. Zostel के rooftop restaurant में dinner करके. And please stay tuned for part 2.